नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देश में मोदी और प्रदेश में योगी कर रहे नेतृत्व, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कहा। अयोध्या में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। शहर के मारवाड़ी सदन में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रबुद्ध सम्मेलन में सपा बसपा के नाम पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा, क्या सपा बसपा की बात करते हो, उनका नेतृत्व ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। वे सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं। जातिवाद का बोलबाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी सभी कामों में भ्रष्टाचार। देश में मोदी और प्रदेश में योगी कर रहे हैं नेतृत्व। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री आज गुंडागर्दी कंट्रोल पर है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा होगा केवल भ्रष्टाचार और लूटन, उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओवैसी के अयोध्या आने पर बोले स्वतंत्र देव सिंह ने कहा। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में एक पार्टी ने दिखाई दे रही थी, सपा भी पार्टी थी, कोई गरीबों का सेवा करने वाला नहीं था। राज्य के कार्यकर्ता सभी सेवा ही संगठन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा था। गरीबों को पैकेट हो, भोजन का पैकेट हो, किट हो, छोटे लैया चना हो, प्रवासी मजदूरों के लिए भी हर लोगों की सेवा। आपने स्वयं देखा है कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर जूते, चप्पल, जो भी आवश्यकता था गरीब कार्यकर्ता के पास, वह प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए सेवा किया। आगे भी हम सेवा करेंगे, सरकार बनाते हैं गरीबों की सेवा की, जनता की सेवा की। तो प्रभु रामचंद्र के नगरी में आकर दर्शन लोग करें, अंतर्राष्ट्रीय स्थल बन रहा है, यहाँ व्यापार मिलेगा लोगों को, रोजगार मिलेगा लोगों को। आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत पर्यटक आएंगे यहाँ, खुमचे वाले को, रेहड़ी वाले को, पटरी वाले को, रिक्शा चालक को, ई रिक्शा वाले को, सभी को रोजगार, रेस्टोरेंट अच्छे चलेंगे, लोग रोजगार पाएंगे। अच्छी बात है लोग अयोध्या आवें और प्रभु का दर्शन करें। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी से लोग डर गए हैं, अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, पहले नहीं घूमते थे सपा बस, लेकिन आज लोग घूम रहे हैं। किसान देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है थोड़ा बहुत, इसमें कोई दो नहीं, और जो बिल पास हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है। अब ये लोग जबरदस्ती अपने नाक का बाल बना लिए हैं, पता नहीं नाक का क्या बोलते हैं, मेरी नाक का सवाल है, बिना मतलब का संघर्ष कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद जैसे व्यक्ति का टेस्ट होता है उसी तरह खेत का टेस्ट होता है, सॉयल हेल्थ कार्ड, यानी खेत में क्या उपज हो सकता है। नीम कोटेड यूरिया, कितना यूरिया नुकसान खेत को करता था, आज नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है, यानी किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, हर प्रकार का किसान खुशहाल है, सभी MSP समय से मिल रहा है सभी को, इसलिए क्यों किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नेतृत्व भ्रष्टाचार में, वह सत्ता राज्य को लूटने के लिए बनाते हैं, जातिवाद का बोला बाला रहता है, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, बाकी में भ्रष्टाचार। आदरणीय योगी जी राज्य का नेतृत्व करते हैं, देश में आदरणीय मोदी जी नेतृत्व करते हैं, एक ईमानदार मुख्यमंत्री, परिश्रमी मुख्यमंत्री, गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री, और आज गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, अपराध पर कंट्रोल है, आज कानून का राज दिख रहा है। आपने सपा बसपा में देखा है केवल भ्रष्टाचार और लूटना, तो उनकी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, अपनी अपनी पार्टियों के लोग काम करते हैं, उनकी पार्टी है, अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने विचारधारा के लिए काम करते हैं। मैं राष्ट्रवाद के लिए विचार कर रहा हूँ, भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, गरीबों की खुशहाली के लिए काम मैं करता हूँ। जिनको लड़ना है, जो लड़े, हमारी तैयारी है, और पूरा जनता का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर पुनः सरकार बनाएंगे।